हेलो अजन, वेलकम टू माय अबूतानी होबीज चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग अरुणाचल में है अरुणाचल ईटानगर हापुली जीरो दापोरिजो, जैसे हम लोग का मैक्सिमम अर्बन एरियाज में है। तो हम लोग जैसे कि गिनी पिग्स, हैमस्टर, रैबिट हम लोग कैसे एडॉप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ में ये क्या होता है, पेडिग्री रैबिट फूड, हैमस्टर फूड अवेलेबल नहीं मिलता है, ये सब नहीं मिलता। तो आप वो सब का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप एडॉप्ट करने समय में करने के बाद कोई पैसा खर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं है बनी इस लोग का फूड के लिए। तो हमारा अरुणाचल में अवेलेबल है जो हर्बीवोरस एनिमल के लिए। तो आपको हम दिखाएगा कि कौन कौन सा प्लांट को उन लोग कहता है। तो जैसे कि आपका सामने ये स्कॉच है, इसको तो थोड़ा पार्ट खा ही लेता है, कहता है इसको कहता है, पर लिप्स को भी खा लेता है। तो इसको तो आपका हर घर में होता है, अरुणाचल में है, तो इसको भी खाता है। ये भी एक हेल्दी फूड है जिसको पानी देने ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को इसका जरिए वाटर मिल जाएगा, डिहाइड्रेशन से उन लोग बचेगा इसको खाने से। और दूसरा प्लांट जो ये है, इसको आपको हम स्पीशीज का नाम नहीं बताएगा। अगर आपका पास प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स है तो आप आइडेंटिफाई करके, ये लिप्स को आइडेंटिफाई करके आप नाम जान के ले सकते हैं। पर ये प्लांट जो है अरुणाचल में अवेलेबल आपको हर जगह में मिल जाएगा। तो ये इंसान भी खाता है, खाने से टेंगा होता है। तो ये भी, ये इसको भी हर्बीवोरस एनिमल लोग खाता है, गिनी पिग लोग बहुत मज़ा से खाता है, रैबिट लोग आप इसको फीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ्टी फूड है क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करता है और उसका हेल्थ भी अच्छा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लांट्स यानी अवेलेबल कहीं भी आपको दिख जाएगा। ये प्लांट्स लोग क्लियर से देखिए, तो ये प्लांट स्पीशीज को नहीं खाता है, इसको नहीं खाता है। तो जैसे कि आपने दूसरा प्लांट देखा, तो ये प्लांट जो है अवेलेबल मिलता है आपका घर किनार नाला किनार में। तो इसको तो पिग्स लोग भी खाता है, यानी मैक्सिमम आदमी लोग पिग्स का फूड के लिए इस्तेमाल करता है जो गावरी का। ये प्लांट को मैक्सिमम हर्बीवोरस एनिमल्स लोग जो खाता है इसको। ये भी आप ध्यान से देखिए, कहीं भी मिल जाएगा, इसका कोई स्टेम नहीं होता, डायरेक्ट रूट से ये लोग ग्रो करता है। स्टेम भी होता है लेकिन ब्रांचेस आपको दिखाई नहीं देगा, इसका मॉडिफाई रूट है शायद अंदर में। तो ये डायरेक्ट इसका रूट से ग्रो करता है, लिप्स और उसका बॉडी जो, इसका कोई ब्रांचेस तो नहीं होता, डायरेक्ट लिप्स से ग्रो करता है। तो इसको भी, ये भी बहुत हेल्दी फूड है। तो दोस्त ये गाइस, ये प्लांट स्पेसिमेन को भी आपको बहुत देखा होगा, हम लोग का मार्केट में भी मिलता है अवेलेबल, वेजिटेबल मार्केट में मिलता है, इसको भी कहा होता है हम लोग। और ये जो घर का बाहर जितना प्लांट है, तो मैक्सिमम ये तो ग्रासेस इसको भी कहता है, ये तो आप लोग मालूम ही है इसको कहता है, ये ग्रासेस है उनका फेवरेट फूड है, शेल्टर और होम का भी काम कर सकते हैं। और ये फन को मत दीजिए, उन लोग फन को नहीं खाते हैं, इसका सूखा हुआ को आप लोग नेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पान का लिप्स को। तो देखिए गाइस हमें कितना अवेलेबल से हम लोग अपना जो है बनी हैमस्टर लोग को खिलाने के लिए, जन आपको मैक्सिमम दिखाई देगा उनका कामयाब। और एक प्लांट स्पीशीज भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये प्लांट जो है इस तरह का लंबा होता है, इसका टेस्ट जो है शोर है, टेंगा है। तो ये भी खाता है ये लोग, बनीस लोग, हैम्सा लोग, और उन लोगों को तो मालूम हो ही जाता है किसको नहीं खाना किसको खाना। तो बेबी बनीस, हैम्स्टर, गिनी पिग्स के लिए ये जो है सबसे बढ़िया प्लांट है, ये प्लांट स्पेसिमेन है। और यहाँ में इसका अवेलेबल मिलता है ज़्यादातर छोटा छोटा नदी किनार और नाला किनारे में, बहुत सफा से ग्रोथ करता है। और ये जो है फन का एक अलग, फन का फैमिली है। तो जब आपका
बनीस लोग को या फिर कुत्ता लोग को, डॉग्स पपी लोग को इचिंग का प्रॉब्लम है, गाँव है, तो इसको आप ऐसे ऐसे निचोड़ना है, ऐसे निचोड़ के जो है उसका गाँव में लगा देना है, तो ये एंटीबायोटिक्स का भी काम करेगा। तो गाइस, सबसे एबोंडेंट और हेल्दी फूड बनी बेबी के लिए बेस्ट फूड जो है ये, तो ये भी है बहुत अच्छा। तो आपको ये थोड़ा कोल्ड एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा ठंडा जगह, थोड़ा नमी जगह में आपको अवेलेबल मिल जाए, इसको इंसान भी खाता है। तो व्यूअर्स, सम मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो हम आज जितना भी प्लांट दिखाया उसका स्पीसीज नेम आइडेंटिटी सब कुछ बताया, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा हम प्लांट का हर चीज़ का एक एक प्लांट का बारे में अलग अलग वीडियो बना के अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ एडॉप्ट कर रहे तो या मैं बिना पेडिग्री ये सब का आप खिला सकते हैं, डॉग्स के लिए नहीं है लेकिन सिर्फ हर्बीवोरस के लिए ये। ओके, थैंक यू गाइस।